वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वाली वीडियो में हम लोग पुश बटन को यूज करेंगे और ये सब हम करेंगे टिंकर कैट पे। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन ये वाली जो है ये रिक्रिएटेड है, तो इसमें मैं थोड़ी सी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो करना तो मैंने यहाँ पे खोल लिया टिंकर कैट और अब हम यहाँ पे सर्किट चूज कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लोड हो चुका। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेडबोर्ड और इससे हम यहाँ पे ले आएंगे। अब हम लेंगे एक 9 वोल्ट बैटरी और इससे हम रोटेट कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए एक रेगुलेटर, हमें 5 वोल्ट रेगुलेटर चाहिए, तो इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। पॉजिटिव वाले को फर्स्ट पे, नेगेटिव वाले को सेकंड वाले पे। एंड वायर्स का कलर मैं नम की से कर रहा हूँ, नहीं तो आप इससे भी कर सकते हो। ये वाली वायर है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और जो ये वाली वायर है इसको हम वहां पे ले आएंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए एक रजिस्टर, जो ये रहा उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको हमें करना है 220। इस वाले साइन को ओम कहते हैं और इस वाली लाइन को हम यहाँ पे लगाते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। और फिर हमें चाहिए एक पुश बटन, इसको हम इसके पैरेलल में लगा देते हैं। और फिर हम लेंगे एक एलईडी और उसको यहाँ पे लगा देते हैं। एंड देन यहाँ से हम एक वायर लेके जाएंगे और उसको एलईडी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। फिर यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे और उसको एलईडी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं, ये वर्क कर रहा है। एंड इसको अगर हम दबा के रखेंगे तो ये ऐसे भी वर्क करेगा और जैसे हम छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो बस इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।